गाइस काफी स्टूडेंट जिन्हें 2022 में बोर्ड एग्जाम देना है जो इस साल कक्षा बारह में गए वे सभी लोग व्हाट्सएप्राम पर टेलीग्राम पर और वीडियो के कमेंट बॉक्स में बार बार मैसेज और कमेंट करके कहते हैं सर हमें 2022 के बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में 95 परसेंट लाना है तो मुझे तैयारी कैसी करनी चाहिए कैसे तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए क्या गाइस आपको भी बोर्ड परीक्षा दो में फिजिक्स में नाइन्टी लाना है अगर लाना है तो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें साथ में मैं इस वीडियो में जो भी स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं आप अगर स्टार्टिंग से उसे फॉलो कर लेते हैं तो आपको 95 परसेंट लाने से कोई नहीं रोक सकता है आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए कहां पर नहीं करनी चाहिए साथ में मैं आपको एक स्ट्रेटजी भी दूंगा और मैं आपको कौन कौन से क्लासेस देने वाला हूं और मैं आपको पी वगैरह कैसे देने वाला हूं इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगा मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बनाया हूं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथ जाकर आप सभी लोग वहां पे ज्वाइन हो जाइए क्योंकि मैं जो फिजिक्स की क्लासेस देता हूं और अन्य सब्जेक्ट की जो भी मैं क्लासेस दूंगा आप सभी के लिए वे सभी क्लासेज आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएंगी साथ में डेली का पी भी सेंड किया जाएगा ये सभी चीज़ें आप सभी के लिए एकदम फ्री में होने वाली क्योंकि मुझे शिक्षा को बेचना नहीं पसंद है मेरा उद्देश्य नहीं है शिक्षा को बेचना क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूट वाले चैनल्स वाले आप सभी के लिए एजुकेशन को बेच रहे हैं मैं फ्री एजुकेशन उन्हीं के लेवल के आप जाकर देख सकते हैं पीडीएफ डी एफ वगैरह एकदम उन्हीं के लेवल का उनसे अच्छे लेवल तक का मैं पीडीएफ डी एफ वगैरह साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह दे रहा हूं तो गाइस बात करते हैं आपको 2022 के बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में अगर 95 फाइव परसेंट लाना तो कैसे तैयारी करनी चाहिए सबसे पहली चीज़ गाइस आपको एक टारगेट बनाना चाहिए नाइन्टी का टारगेट बनाना चाहिए वो भी अपने दिमाग में अपने मेंटलिटी में क्योंकि अगर दिमाग में टारगेट बनाएंगे फिजिक्स में 95 परसेंट लाने के लिए तो आप उसी टारगेट को प्राप्त करने के लिए उतनी ही एनर्जी के साथ में मेहनत करेंगे अपनी पूरा 100 परसेंट देंगे बिना टारगेट की स्टडी नहीं होती है सबसे पहले आप सभी लोग एक टारगेट बनाइए फिजिक्स में और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने काफ़ी पर लिखिए फिजिक्स के बुक में लिखिए अपने टारगेट को क्योंकि टारगेट अगर सामने रहेगा तो आप उसी को प्राप्त करने के लिए मेहनत करेंगे दूसरी बात गाइस जो कि आपको स्टार्टिंग से फॉलो करनी चाहिए आज से ही फॉलो करनी चाहिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको ये जानना चाहिए कि किसी भी चैप्टर में कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है कौन सा टॉपिक ऐसा जो आपके बोर्ड के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यह आपको जानकर ही पढ़ाई करनी चाहिए बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते पढ़ाई सबका करना चाहिए लेकिन जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उनको लिख लिख कर बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि यह साल आपके बोर्ड के लिए मिला है जब कंपटेटिव एग्जाम्स में जाएंगे तो कंपटेटिव वाले को प्रैक्टिस करेंगे पहले बोर्ड देना है तो पहले बोर्ड को प्रैक्टिस करना चाहिए पढ़ाई बक़दे पूरा करनी चाहिए लेकिन उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए जो आपको जिन्हें एग्ज़ाम में लिखना है ये मैं आपको बता रहा हूं मैं आपको डेली जो फिजिक्स की क्लासेज देता हूं सोमवार से शुक्रवार फिजिक्स की क्लासेज में मैं क्लासेज के दौरान ही बता देता हूं कि ये आपकी चीज़ें बोर्ड में पूछी जाती है ये नहीं पूछी जाती और जल्दी मैं आप सभी के लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है उसका मैं अलग से वीडियो बनाकर यहां पे अपलोड करने वाला हूं दूसरी तीसरी चीज़ गाइस आपको सभी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए देखिए फिजिक्स में कुछ लोग न्यूमेरिकल से डरते हैं कुछ लोग डेरिवेशन से डरते हैं तो थीरी तो समान लीजिए सबको समझ में आती देखिए फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगता है तो आप में कभी नहीं है कमी आपके टीचर में है अपनी टीचर को रिप्लेस कीजिए आप मेरे क्लासेज को देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फिजिक्स की क्लास का आप प्लेलिस्ट का पूरा लिंक मिल जाएगा आप जाकर स्टार्टिंग से देखिए देखिए ये साइंस है आप एक दिन की एक क्लास लेकर बोर्ड में कभी 95 परसेंट नहीं ला सकते आपको स्टार्टिंग से सही तरीके से पढ़ना चाहिए क्योंकि साइंस एक क्रमबद्ध ज्ञान होता है आप स्टार्टिंग से लेक्चर नंबर वन से देखिए आपको हंड्रेड फिजिक्स पढ़ने में मजा आएगा समझ में आएगा और मैं फोकस बेस्ड स्टडी कराता हूँ इतिहास पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाता हूँ फिजिक्स पढ़ाता हूँ केवल फिजिक्स फिजिक्स में उन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करता हूं जहां से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आपको बोर्ड में नाइन्टी फाइव परसेंट लाना है न कि पूरा आपको इतिहास पढ़ना है पूरा फिजिक्स पढ़ना है ठीक है फिजिक्स में आपको स्कॉलर नहीं करना है अभी नाइन्टी फाइव परसेंट लाना है क्योंकि परसेंटेज आएगा तभी से सब लोग सोचेंगे कि आप पढ़ाई किए हैं नहीं आएगा तो नहीं किए हैं सोचेंगे आपके घर वाले आपके रिलेशन वाले ये सोचेंगे अगर आपका फिजिक्स में नाइन्टी फाइव परसेंट आता है तो ये सोचेंगे फिजिक्स में मेहनत किए और नहीं आएगा नाइन्टी फाइव परसेंट तो वे सोचेंगे पढ़ाई नहीं किए तो 95 कैसे लाना ये आपको पढ़ाई करना चाहिए तीसरी चीज गाइस जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज आप सभी के लिए और ये टाफर करते हैं देखिए आप लोग लापरवाही मत करना आपको रेगुलर स्टडी करनी चाहिए डेली एक घंटा ही सही आप डेली पढ़ोगे तभी नाइन्टी लाओगे अगर आप एक दिन पांच घंटे पढ़ रहे हो अगले दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो दो दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते नहीं हो पाएगा आपसे अगर आप एक ही घंटे पढ़िए लेकिन आपको डेली रूटीन में पढ़ाई करनी चाहिए इसके लिए आपको एक टाइम टेबल एक एक्सेसिबल टाइम टेबल चाहिए अगर आप टाइम टेबल बनाएं तो अच्छी बात है नहीं बनाएँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मैं आपको टाइम टेबल बना के दूँगा कि आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए चौथी चीज़ आप सभी के लिए जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि आप कंफ्यूज रहते हैं कि आपको बुक कौन सा यूज करनी चाहिए मैं आपको बता रहा हूं आपको दस बुक पर ध्यान नहीं देनी चाहिए केवल एक बुक एक बुक अगर आप दस बार पढ़ लेते हैं तो आपको नाइन्टी लाने से कोई नहीं रोक सकता ये बातें मैं नहीं कर रहा हूं मेरे से पहले आपको बहुत टीचर्स ने बताई होगी आपको ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है आप केवल एन कर लीजिए एन कर लीजिए हंड्रेड परसेंट आपको नाइन्टी फाइव परसेंट आ जाएगा अगर आपको बुक वगैरह चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में नहीं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूं जहां पर मैं फिजिक्स का पार्ट वन का बुक अपलोड किया हूं मैं एक वीडियो का लिंक है उसमें बताया हूं कि आपको पार्ट वन का वीडियो बुक कैसे डाउनलोड करना है एकदम फ्री में क्योंकि मेरा उद्देश्य नहीं है आपकी किसान को भेजा जाए मुझे मालूम है अगर आपके अंदर जी तोड़ जुनून होगा तो आप फ्री में भी पढ़कर नाइन्टी फाइव परसेंट ला सकेंगे लेकिन अगर आपके अंदर पढ़ने का जुम्मन नहीं होगा तो आप करोड़ों रुपए खर्चे करके लाखों रुपए खर्चा करके हजारों रुपये खर्चे करके कभी भी परसेंटेज नहीं ला सकते काफी स्टूडेंट पढ़कर लाए भी हैं आप जाकर प्ले में देख सकते हैं तो गाइस आप अगर इन चीजों को ध्यान में देते हो तो आप 100 परसेंट फिजिक्स में 95 फाइव परसेंट स्कोर कर सकते हैं लेकिन आपको स्टार्टिंग से करनी चाहिए आज से ही स्टार्ट करनी चाहिए आप सभी लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर जो मैं क्लासेस दे रहा हूँ उसका लिंक मिलेगा जाकर देखिए बहुत ही हेल्प करेगा आप सभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद